हेलो बच्चों, यहाँ लिखा है स्टील बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज फास्टेंड टू अ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग फिक्स्ड एट द फार एंड एंड रिलीज्ड व्हेन कॉर्ड इज इन हॉरिजेंटल। क्लियर है? मतलब ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि यहां कहीं पे ये बॉल है। क्लियर बेटा? और इसको हम लोगों ने यहां कहीं पे सस्पेंड करके रखा और ये हॉरिजेंटल पोजीशन से हम इसको रिलीज करेंगे। एट द बॉटम ऑफ इट्स पाथ बॉल स्ट्राइक्स अ 2.5 kg स्टील ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। द कोलिजन इज इलास्टिक। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर कोलिजन विल बी। क्लियर है? देखो, यानी हम लोगों के पास ये जो बॉल है वो यहां कहीं पहुंच जाएगी फाइनली, और इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी पहले कुछ वी नॉट, और अब ये यहां पर फ्लोर पे रखे हुए एक ब्लॉक के साथ कोलाइड करेगी। ये ब्लॉक है आपके पास जिसका मास दिया गया है 2.5 kg और इसका खुद का मास दिया है 0.5 kg। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम वी नॉट निकाल लें। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग लिखें तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहां से वी नॉट बराबर आया अंडर रूट ऑफ 2 GH। तो अंडर रूट ऑफ 2 GH, तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 10 × H। H बोले तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको मैंने लिख दिया 0.2। तो बेटा हम लोगों के पास यहां से मिला 2 m/s। तो 2 m/s आ गया इस पर्टिकुलर बॉल की वेलोसिटी। अब हमें चाहिए था ब्लॉक की वेलोसिटी। क्लियर? तो कोलिजन इलास्टिक दिया है। दो मेथड है हमारे पास, या तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज कर ले, या इन दोनों को यूज करके जो हमने एक रेडीमेड फॉर्मूला बना रखा है हम उस फॉर्मूले को यूज कर ले। क्लियर? तो फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, अभी इसको हम लोग लिख रहे हैं कुछ एम वन और इसको लिख रहे हैं हम लोग एम टू, और तुमसे स्पीड ऑफ द ब्लॉक पूछा गया है, मतलब हम लोग एम टू में इंटरेस्टेड है फिलहाल इस क्वेश्चन में, तो हम एम टू के लिए बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैंने लिखा है एम वन इज इक्वल टू 0.5 kg। क्लियर बेटा? एम टू इज इक्वल टू 2.5 kg। क्लियर? और यू वन इज इक्वल टू मिल चुका था 2 m/s और यू टू था 0 क्योंकि रेस्ट पे था ब्लॉक। क्लियर है? और हम लोग इंटरेस्टेड हैं वी टू में। तो बेटा वी टू का जो फॉर्मूला बनता है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं लिख जरूर दे रहा हूं यहां से आपके लिए फिर से। कोलिजन अगर इलास्टिक है तो यहां से मैं लिख रहा हूं E प्लस एम वन प्लस ई एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन प्लस, यहां से आपके पास बनता है एम टू माइनस ई एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू। क्लियर? तो यहां पे यू टू 0 था तो ये वाला टर्म 0 हो गया। एम वन की जगह मैंने लिखा 0.5 और फिर से ई वन हो गया तो फिर से आ गया 0.5 अपॉन 2.5 + 5 कितना हो जाएगा, 0.5 कितना हो जाएगा 3 × 2, तो ये हो गया आपके पास 2/3 m/s। तो 2/3 m/s हम लोगों के पास आंसर आ रहा। ऑप्शन चेक करें, 2/3 तो बटा किसी में नहीं दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसका जीरो यहां से चलो हम लोग हटा देते हैं, तो यहां से हम लोगों के पास ये 2/3 बन जाएगा। ये मिसप्रिंट है शायद ये, तो 2/3 m/s यहां पे फिलहाल हम लोग फिर ये सेकेंड ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? या आप फोर्थ वाले में 5 की जगह 2 कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो फाइनल आंसर जो हम लोगों के पास है दैट इज 2/3 m/s। क्लियर? तो अगर हम लोग इसको सेकंड वाले ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं तो इस सेकंड ऑप्शन को हम लोग करेक्ट मान लेंगे। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।